कुछ काफ़ी सारी बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मैंने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि हमें हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है पावर बैंक उससे बनाने के लिए चाहिए होंगी। इन सब चीज़ों के बिना आप हम पावर बैंक को नहीं बना सकते। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो आप उन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को मैंने रखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे आज के हम इस प्रोजेक्ट में। तो देखिए कुछ इस तरह से कुछ यहाँ पर चीज़ें आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। तो बारी बारी में आप सभी चीज़ों को आप सब आपको जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बताने भी वाला हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। पहले यूज़ करेंगे कुछ वायर्स, 1 9 वोल्ट की बैटरी जिससे कि हमारा फ़ोन है वो चार्ज होगा, एक कनेक्टर जिससे कि हम हमारी 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, एक USB केबल। दोस्तों यहाँ पर मैं जो है माइक्रो USB केबल का यूज़ करूँगी, मेरा जो फ़ोन है वो माइक्रो USB केबल से चार्ज होता है। आपका फ़ोन जिस भी केबल से चार्ज होता है आप उस केबल का यूज़ कीजिएगा। मेरे पास माइक्रो USB केबल वाला फ़ोन था तो मैं माइक्रो USB केबल का यूज़ कर रहा हूँ हमारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक से। एक SPST स्विच कुछ इस तरह का छोटा सा हमें स्विच चाहिए होगा जो कि हमारे पावर बैंक को ऑन या फिर ऑफ करने का काम करेगा। एक USB केबल कनेक्टर या फिर आप इसे USB पोर्ट भी कह सकते हो। गाइज ये वही चीज़ है जो हमारे फ़ोन के जो चार्जर होते हैं ना, जो हमारे चार्जर में एक इस तरह का पोर्ट लगा होता है जिसके अंदर हम केबल को लगाते हैं, ये वही चीज़ है। और इसका जैसे लैपटॉप में यूज़ होता है, कंप्यूटर में जहाँ पर हम पेन ड्राइव को लगाते हैं, पावर बैंक में भी होता है, मतलब उसमें ही इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम हमारी जो USB केबल है उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये वही चीज़ है USB केबल को कनेक्ट करने वाली। तो इसमें हम हमारी USB केबल को, जो हमारी USB केबल है कुछ इस तरह से हम इसे इसके अंदर लगा देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर IC। ये वो काम करेगा कि देखो हमारा फ़ोन जो होता है ना 5 वोल्ट पर चार्ज होता है, हमारे चार्जर हो गए, पावर बैंक्स हो गए, वो सब 5 वोल्ट से ही हमारे फ़ोन को चार्ज करें। लेकिन हम तो यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ये जो चीज़ है ना आप यहाँ पर देख रहे हो, ये चीज़ काम क्या करेगी कि हमारे 9 वोल्ट को ना 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी जिससे कि हमारा फ़ोन सेफली चार्ज हो पाए। और ज़रूरत पड़ेगी हमें 1K ओम यानी कि 1000 ओम के रजिस्टर की, जिससे कि हम LED के साथ में लगाने वाले हैं इसकी पॉजिटिव लेग में, कुछ इस तरह से पॉजिटिव लेग में हम इसे लगाएंगे जिससे कि हमारी LED लाइट जल पाएगी यानी ग्लो करेगी। और यहाँ पर आप सर्किट मैंने डायग्राम जो है बना दी हुई है ऑलरेडी, सारे कंपोनेंट्स को जो है मैंने वायरिंग कर दी, मतलब अभी यहाँ पर पेपर के ऊपर मतलब 2D में सारी वायरिंग मैंने आपको करके दिखाई है किस तरह से हमें वायरिंग करनी है। तो आप देख सकते हो ध्यान से क्या क्या वायर मैंने लगाई है, कौन सी पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव वायर कहाँ जा रही है, स्विच पे जा रही है, फिर ये जो IC है उसकी पॉजिटिव वायर कहाँ पर से कहाँ जा रही है, USB पोर्ट पे कहाँ तक जा रही है, मतलब जो भी सारी वायरिंग है ना। आप इस सारे सर्किट को अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये जो आप सर्किट देख रहे हो ना अभी इसको अच्छे से फॉलो ज़रूर करना और वीडियो को बिना कहीं से स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। आप सर्किट को ध्यान से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब दोस्तों चलिए अब इसकी मेकिंग पर आते हैं। तो दोस्तों हमें बनाना क्या है पावर बैंक, तो पावर बैंक की जैसा आपको दिखने में जैसा भी होता है आपने देखे होंगे पावर बैंक्स, तो कुछ उस तरह की हम इसकी शेप देने वाले हैं यानी कि कुछ इस तरह की हम बॉडी बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की, कुछ कार्डबोर्ड को मैंने इस तरह से जोड़ लिया हुआ है देखिए कुछ इस तरह से, और इस तरह से हम जो बॉडी बनाने वाले हैं हमारे पावर बैंक की। अब जो सर्किट आप देख रहे हो ना इसको भी हम मतलब एक जगह पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 बोर्ड्स ले लिए हुए हैं मतलब कार्डबोर्ड की शीट्स के ऊपर मैंने जो हमारा सर्किट बना लिया हुआ है कुछ इस तरह से। सामने की तरफ जो हमारा बाहर की तरफ आएगा ना वो ये वाला पार्ट होगा, मतलब जो सामने की तरफ ये देख रहे हो ना आप, ये हमारा बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पर हमारा स्विच लग चुका है ऑन ऑफ करने के लिए, LED लाइट लग चुकी है, USB पोर्ट लग चुका है। पीछे की तरफ एक आप यहाँ पर और देख रहे हो, यहाँ पर हमारा जो 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर भी हमने लगा दिया हुआ है जिस तरह से लग सकेगी हमारी लग जाएगी 9 वोल्ट की बैटरी कुछ इस तरह से हमारा काम करता है पावर बैंक। आप देख सकते हो जो हमारी वायरिंग है मैंने यहाँ पर कर दी, यहाँ पर देख रहे हो आप दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको टेपिंग दिख रही होगी वाइट कलर की, काफ़ी सारी टेपिंग यहाँ पर की हुई है। वो टेपिंग क्या है ना, मतलब जैसे वायर थी वो वायर बिल्कुल खुले वायर थे तो कहीं अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए मैंने टेपिंग कर दी जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। आप वायरिंग को अच्छे से समझ सकते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव वायर है तो ये देखो ये स्विच के साथ में जुड़ी हुई है, और देखते हैं तो और जो नेगेटिव वायर है वो जो हमारी IC है IC की जो मिडल वाली लेग के साथ में जुड़ी हुई है, और देखते हैं क्या क्या वायरिंग है। तो वहीं से एक और वायर निकाल ली हमने और उसे हमने लगा दिया USB पोर्ट पर, एक LED से पॉजिटिव वायर लगा दी
जो कि हमारे स्विच के साथ में जुड़ जाती है दोबारा से, देखिए उस तरह से। और जो कॉमन वायर है यानी कि जो हमारी जो आईसी का जो मिडल वाला लेग है उसकी वायर फिर उसी के साथ में हमने जोड़ दी कुछ इस तरह से, बैटरी के साथ वो जाकर कनेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, हमने जो हमारा सर्किट बना लिया दोस्तों। अब हमारी बारी है इस, जो हमने देखो इतनी सारी वायरिंग कर ली, जो कंपोनेंट्स थे मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, सर्किट डायग्राम आपको बनाकर दिखा दी। अब इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है, कि क्या मैंने स्विच लगाया एलईडी लगाई, मतलब क्या सच में काम करेगा, इसकी टेस्टिंग करना भी बाकी है। तो कुछ इस तरह की मैंने माइक्रो यूएसबी केबल ले ली, अब मैंने अपने फ़ोन के साथ में इसे कनेक्ट कर लिया। ये रहा हमारी यूएसबी पोर्ट, बस अब बस हमें जो है इस 9 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करना है और अब हमें बस काउंट डाउन करना है। तो हमारे हमने जो है हमारी सर्किट के अकॉर्डिंग सारी सेटअप तैयार कर ली। तो 3 2 मतलब जैसे ही मैं जो है मतलब काफ़ी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग फील हो रहा है इसको ऑन करने में। 3 2 एंड 1 अब ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन चार्ज। गाइस आप देख सकते हो हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, इस बात पे यार एक लाइक तो यार ज़रूर बनता है। मतलब आप देख सकते हो हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो चार्जिंग। और हमारी जो कमाल की बात पता क्या है, हमारी एलईडी लाइट भी ऑन है। फ़ोन तो चार्ज हो ही रहा है लेकिन हमारी एलईडी लाइट भी एक साथ ऑन हो चुकी है, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठे काम एक साथ काम कर रही हैं। तो आप देख सकते हो हमारा स्विच अभी ऑन पोजिशन पर है। तो अभी मैं स्विच को जो है ऑफ करके आपको दिखाना चाहूँगा क्या होता है। तुम्हारा भी स्विच जो है अभी ऑन पोजिशन पर, तो मैं आपको ऑफ करके मैंने दोबारा से ऑन करके दिखाया आप लोग को। आप देख सकते हो हमारा फ़ोन अब भी चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हो हमारा स्विच ऑन है, हमारी लाइट भी अभी जल रही है और हमारा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। तो चलो अब स्विच को ऑफ कर देते हैं एक और बार और देखते हैं क्या होता है। तो हमारा फ़ोन चार्ज होना बंद हो गया, मतलब हमारा जो सर्किट है यार अच्छे से काम कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो है प्रोडक्ट, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था DIY पावर बैंक जिसको आपने थंबनेल में देखा, जिसकी जगह मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ इतनी देर से, वो चीज़ हमारी फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने इसको ब्लैक टेपिंग से इसकी फिनिशिंग अच्छे से कर दी। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा पावर बैंक होता है ना जिसे अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, वो होते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर तक के या फिर 2.1 एम्पियर तक के भी कुछ होते हैं। लेकिन हमारा ये जो DIY पावर बैंक है जो हमने आज मैं आपको बनाकर दिखाया, इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। क्यों, ये 5 वोल्ट तो देता है लेकिन एम्पियर एम्पियर जो है वो बहुत कम है, एम्पियर सिर्फ 1 एम्पियर है, मतलब 1 एम्पियर तो वो बहुत कम है। तो आपका फ़ोन जो है फास्ट चार्ज नहीं होगा, मतलब आपका अगर फ़ोन मतलब ज़्यादा mAh बैटरी आपके फ़ोन की, मतलब 2000 mAh से ज़्यादा कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी है तो आप इस चीज़ को मत बनाना, क्योंकि इसकी चार्जिंग बहुत इतनी स्लो है मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ। और कुछ इस तरह से हम जो है इसके अंदर बैटरी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है और इसको हम क्या करते हैं पीछे से इस तरह से ओपन हो जाता है इसकी, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया ना, ये चीज़ आपको मैंने बनाकर दिखाया, आप इसको भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्यों, देखो यहाँ पर एक मैगनेट लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ना, ये मैगनेट है। बेसिकली क्या होता है, हम इसको बंद करेंगे तो बंद होने के बाद मतलब इस अच्छे से लॉक लग जाएगा। अब ये इस तरह से क्यों बनाया, देखो जो 9 वोल्ट बैटरीज होती है ना, इनकी प्रॉब्लम पता क्या है, ये नॉन रिचार्जेबल होती है। हाँ रिचार्जेबल 9 वोल्ट बैटरीज भी आती हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास, अगर आपको ये नॉन रिचार्जेबल ही यूज़ करनी है 9 वोल्ट बैटरीज, तो आपको क्या है ये बार बार चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि पावर बैंक को आप बार बार काटोगे नहीं, बार बार इसकी जो कार्डबोर्ड की पीस है उसको बार बार रिमूव करोगे, तो उससे क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। इसलिए मैंने
इस तरह से इसको बनाया जिससे कि हम मैं मतलब इसकी जो बैटरी है बार बार हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आपको लगा कर दिखाया हमारा पावर बैंक अपने फ़ोन के साथ मैंने कनेक्ट किया और फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो देखिए यहाँ लगाते हैं 9 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर आउटपुट का पोर्ट है जहाँ पर 5 वोल्ट 1 एम्पीयर मिलते हैं। इसके अंदर लगाते हैं यूएसबी केबल, जो भी आपकी माइक्रो यूएसबी केबल मतलब जैसे मेरे फ़ोन का माइक्रो यूएसबी केबल है, तो मैंने उसको अपने पावर बैंक के साथ लगा दिया और फ़ोन के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों सच में काम कर रहा है, सच में दोस्तों मेरा यकीन मानो, आपको लग रहा होगा फेक है लेकिन सच में फेक बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो खुद बना लो, बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा इसे बनाने के लिए। पीछे मैंने वीडियो में आपको एक डायग्राम दिखाया था ना, क्या क्या डायग्राम है, कैसे कैसे वायरिंग की है, वो डायग्राम को अच्छे से देखना, फिर ही आप इस चीज़ को अच्छे से बना पाओगे, वरना आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो देखिए हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, मतलब मैं आपको बार बार स्विच ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ कि हमारा फ़ोन कितना अच्छे से चार्ज हो रहा है। यहाँ पर एलईडी लाइट भी बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। तो और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक मतलब हमारी 9 वोल्ट बैटरी तो लगी हुई है, उसके साथ में आप देखो यहाँ पर एक खाली स्पेस आपको दिख रही है, बिल्कुल एक खाली जगह है। आप सोच रहे हो कि ये क्या है भला, तो देखो मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मतलब जस्ट एक मिनट पहले आपको बताया होगा मैंने कि ये 9 वोल्ट बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते बार बार। तो अब देखो मान लो इनकेस आपकी एक बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरी बैटरी आप मतलब यूज़ कर सकते हो, एज अ बैकअप आप एक बैटरी उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इस तरह से अंदर थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर छोड़ दी जस्ट इसके लिए कि हाँ हम एक बैटरी को अलग से स्टोर कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी अपनी ज़रूरी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये माइक्रो यूएसबी केबल को मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, ये देखिए मैंने माइक्रो यूएसबी केबल हमारी रख दी जो मेरे फ़ोन के चार्ज करने के लिए यूज़ होती है, तो मैं इसके अंदर इसको सिंपली रख देता हूँ और ये पैक हो जाता है। मतलब पता नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ चीज़ भी रखी हुई है। और देखिए मैं इस तरह से इसको लगाता हूँ और ये पावर बैंक से मेरा फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया। देखिए चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, इनकी इसकी डायमेंशंस कितनी है, मतलब आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाए। तो देखिए इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ की अगर बात करें तो ब्रेड्थ है इसकी एक मिनट 9.8 सेंटीमीटर्स इसकी ब्रेड्थ है। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट कितनी है इसकी, हाइट 4.3 सेंटीमीटर्स। तो आपको मैंने रफ़ आइडिया दे दिया, तो अब इसका डायगोनल देखते हैं कितना, मतलब सामने की तरफ से कितना, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो देखते हैं कितना है, तो देखते हैं कितनी इसकी डायगोनल है सामने की तरफ से। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर्स आ रहा है, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका साइज़ कंपेरिजन, मैंने आपको साइज़ बता दिया कितना है, इसके डायमेंशन वगैरह आपको रफ़ आइडिया देने के लिए बता दिया। आप इसके अंदर मतलब आप चाहो तो फिटनेस बैंड चार्जर भी रख सकते हो, मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो भी आपको चार्ज करना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इससे आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही चार्ज करो, ज़रूरी नहीं है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हो, अपना ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर्स और ना जाने पता नहीं क्या क्या, मोबाइल फ़ोन तो चार्ज कर ही सकते हो। आप एक और कमाल की बात सुनो, इस पावर बैंक से मतलब इस 9 वोल्ट बैटरी से चलने वाले इस पावर बैंक से एक दूसरा पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हो। आपको करके दिखाऊँ, ये देखो तो मैंने किया पावर बैंक, हमारा जो ये वाला पावर बैंक है इसका स्विच ऑफ है और आप देख सकते हो हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है, फिलहाल अभी 100% है। तो जिस तरह से हमारा पावर बैंक है आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो है आज को मैंने आपको ये जो चीज़ आपको बनाकर दिखाई, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, मेरा जो आइडिया था ये जो आज की मैंने जो आइडिया मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं, मैगनेट लगाया है, ये जो मतलब जो भी था कि हम बैटरी को बार बार रिमूव कर सकते हैं फिर दोबारा डाल सकते हैं, यहाँ पर स्विच लगाया, एलईडी लाइट लगाई, ये यूएसबी पोर्ट लगाया, जैसा भी था आपको फिनिशिंग कुछ भी आपको अच्छा लगा ना, बिल्कुल ज़रा सा अच्छा लगा कुछ भी, लाइक कर दो वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो, आगे भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग, ऐसे ही और क्रिएटिव आइडियाज़, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग DIY प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ आपको आगे देखने को बिल्कुल मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सच में काम कर रहा है यार, ये स्विच ऑफ कर देता हूँ और चार्ज नहीं हो रहा अब, ये सच में काम